दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवार उधर को गौर से, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए। माना के दोस्तों को नहीं दोस्ती का फांस। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, मान लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे चैनल। तो जी, हम आ गए हैं। अब हमको कैमरे में अपना थोबड़ा देखना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना मेकअप करके हमें अच्छा नहीं लगता। तो जी, हम आ गए हैं अपने असली रूप में, हैं वैसे अब अच्छा लग रहा है कैमरे में। तो जी, कैमरे में ना हमसे अपने आप को देखा भी नहीं जा रहा था। खैर जो भी है, देखिए हमें नहीं अच्छा लगता। हैप्पी होली, होली की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को, लख लख करोड़ करोड़ हैं और अरबों अरबों बधाइयाँ हैं। तो जी, आज जो है एक रैंडम रीडिंग करने आए हैं। आपको तो पता है हमको रैंडम रीडिंग करने का कितना शौक है। और गाने का जो है, गाना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको तो पता है ना, हम ट्रेंड सिंगर नहीं है, लेकिन वो ये सब हमसे नहीं होता है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है, क्योंकि हमको ये गाना गाने का मन कर रहा था, इसलिए हमने गाया है। चैनल नहीं है वैसे, चैनल गाना हमें अभी थोड़ी देर पहले एक गाना आया था, लेकिन हमने यही गाना गाया, पता नहीं क्यों। लेकिन चैनल गाना क्योंकि हमें आया था, पता नहीं किसके थॉट्स हैं, लेकिन एक चैनल हुआ था गाना किसी के लिए, तो हो ही सकता है। पता नहीं गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, हमारा मन नहीं कर रहा, हम इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि वो गाना ना हमारे दिल के बहुत करीब है, और उसकी जो वर्डिंग्स है ना, वो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है हमारे ऊपर ही लिखी गई हैं, हमारे ऊपर ही थोपी गई हैं, किसी ने हमको ध्यान में रख के लिखा होगा है, हमारी थॉट्स है उस गाने में। ऐसा लगता है। खैर, पता नहीं, ऐसा लग रहा है, ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं, पता तो चले। चलिए गा देते हैं। मेरी मांग में चांद तारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता। मेरी मांग में
सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता, आदत मेरी वो जानता, हालत मेरी पहचानता, मुझसे भी चाहत का इजहार करता, मुझसे भी चाहत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। ये गाना जब भी हम मन में गाते हैं ना, ये गाना हमारे दिल के बहुत करीब है। जब भी ये गाना हम मतलब गुनगुनाते हैं, जब भी ये गाना गाते हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं। शुक्र है अभी आंसू नहीं आए। ज़्यादातर ये गाना गाते गाते हम इस गाने में इतना डूब जाते हैं कि हमारे आंसू आ जाते हैं। वर्डिंग्स ऐसा नहीं लगता आपको हमारे ऊपर ही लिखे गए हैं, वैसे हमारे दिल के थॉट्स हैं कि काश कोई लड़का हमें प्यार करता। कोई भी नहीं पढ़ता ना, खैर कोई भी है, कोई जो भी है, जो भी है। देखिए ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, नसीब में नहीं है हमारे, हैं कोई नहीं है तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जी रीडिंग, रैंडम रीडिंग करते हैं, ठीक है। और पहले हम ज़रूरी बातें बता देते हैं आपको। टैरो क्लासेस का बैच शुरू हो गया है, एनरोलमेंट जारी है। इससे पहले कि एनरोलमेंट ख़त्म हो जाए, अपने आप को एनरोल करा लीजिए। जो लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं, हमारे उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, और हम जैसे रीड करते हैं, हमारा तरीका अच्छा लगता है, हमसे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, हमसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो आप हमसे टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। हमारे पास जितना ज्ञान है वो हम आपको 10 क्लासेस में दे देंगे, जो कि हम जूम पे रखेंगे। हर संडे इसको ये क्लासेस होंगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम जो है बिना किसी देरी के एक रीडिंग करते हैं। देर तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, 7 मिनट से ऊपर हो गया है, और हम रैंडम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तो देखते हैं ये कैमरा क्यों हिल रहा है भाई। अच्छा टेबल हिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की दुनिया बहुत जल्दी हिलने वाली है। घबराइए नहीं, भूकंप नहीं आ रहा है। भूकंप तो हमारी ज़िंदगी में रोज़ आता है मालूम, क्योंकि हमें वर्टिगो है ना, तो वर्टिगो में हमें चक्कर आते हैं। तो चक्कर में क्या होता है कि कभी कभार जो है आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपको हिला हिला सा दिखता है। वर्टिगो के बारे में ज़रा गूगल पे सर्च कीजिएगा, और आप सोच सकते हैं कि हमको पिछले 10-12 साल से कितनी दिक्कतें हैं। वर्टिगो के साथ जीना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेट्रो में नहीं ट्रेवल कर सकते, झूला नहीं झूल सकते, क्योंकि हमको हमेशा ऐसा लगता है हिला हुआ है। ज़्यादा हम डांस करने के इतने शौकीन हैं, लेकिन हम डांस नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया हिल जाती है हमारी। तो टेबल भी ज़रा सा हिल जाता है, ज़रा सा कैमरा शेक हो जाता है, तो हमको बहुत ब्लरी हो जाता है हमारा विजन देखना, और देखने मतलब प्रॉब्लम होती है हमें वर्टिगो की वजह से, ठीक है। रैंडम रीडिंग कर रहे हैं हम, ओके। कार्ड आ गया है जी, कार्ड आ गया है 3 of Pentacles। कोई आपका टैलेंट है जो काफ़ी टाइम से आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी जैसी हैं, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग ओवर, जो चीज़ आप कर रहे थे ना उसको वापस से आप दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं, और उसको बहुत पॉलिश करने का प्रक्रिया यहाँ पे चल रहा है। एक तरह से आपको तराशा जा रहा है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। आप किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको गाना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप फिलहाल अपनी किसी टैलेंट को तराश रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा। किसी से कोलैबोरेशन भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, आप किसी के साथ कोलैब करते हुए टीम वर्क में आना, ठीक है, एक टीम क्रिएट करना। दो कार्ड्स एक साथ, चलिए अगर आपकी बार आएगा तो हम ले लेंगे। अरे यार ये कोलैबोरेशन कैसा कोलैबोरेशन है,
यहाँ तो कोई और ही बात चल रही है ये प्यार का कोलैबोरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप किसी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी है, ठीक है, और हमने 10-10 देखा तभी कैमरे पे। तो आपका एक लाइफ का साइकिल जो है वो फाइनली कंप्लीट हुआ है, और अब आप एक नए पड़ाव में पैर रखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। किसी का सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये फायर साइन के हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, किंग ऑफ वांड्स, ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। आप अभी इस समय बहुत क्रिएटिव एनर्जीज़ में हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा तराशते हुए, बहुत पॉलिश करते हुए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप बिल्कुल उस चीज़ में इतना फोकस्ड हैं कि आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं, उसको और भी ग्रो करना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड ये सिचुएशन चल रही है, देखते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। और अरे हाँ, भूल गए, आई एम सॉरी दोस्तों, 11-11 देखा हमने, आई एम वेरी सॉरी जिनके क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए। देखिए हम थक गए थे, और हमारी मम्मी भी 2-3 बार हमको देखने आ गई थी गेट पे। देखिए माँ तो माँ होती है, हमारे बिना वो खाना नहीं खा रही थी। तो आप खुद सोचिए, जब आप हमारी मम्मी बुला रही होती तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमको अच्छे से विदा करें कि मैम आप जाइए खाना खाइए। आप बताइए, हमारे बिना हमारी मम्मी भी नहीं खाना खाती, वो हमको बुला रही थी बार बार कि खाना खाने आ जाओ, टाइम हो गया था, आपको भी पता है कि कितने बज रहे थे उस समय। तो ये एक इंसानियत होती है, क्वेश्चंस की फ्री रीडिंग लेने के चक्कर में आप इतना निर्दयी और इतना क्रूअल मत बनिए कि आपके कर्मा ख़राब हो। आई होप आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। भाई ये देखिए, खुदा के नेक बंदों की हमने एक टीम बनाई है, कम्युनिटी बनाई है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो नहीं है खुदा के नेक बंदे, जिनकी सोच अभी भी वैसी है कि भाई मौका परस्त लोग, जो देखिए दुनिया में है मौका परस्त, ज़रूरी नहीं है कि हमारी 8,000 की कम्युनिटी में 8,000 लोग बिल्कुल प्योर सोल्स हों। देखिए ऐसा नहीं होता है, हमें भी पता है, लेकिन हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कम्युनिटी को फ़ौरन छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से ये पूरी कम्युनिटी ना बिखर जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारे दूसरे नेक बंदों के ऊपर उनके कर्मा ख़राब हों, या उनके, क्योंकि आप लोगों की हरकतें भी ऐसी होती हैं, आप कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं तो हमारे जो खुदा के नेक बंदे हैं वो फिर कुछ नेगेटिव बोल देंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो बिल्कुल ईश्वर के सच्चे परिंदे हैं उनके कर्मा ख़राब हो आप लोगों को कुछ गलत बोलने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे इतने इतने सारे भाई हमने बनाए हैं, इतनी सारी बहनें हमने बनाई हैं, ये सब तो मतलब लड़ने को तैयार हो जाती हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे अभी तलवार निकाल लेंगी। और हिम्मत कैसे हुई मिनी को कुछ बोलने की? सच में यार आप लोग कितना प्यार करते हो हमें, हैं, लेकिन वही है कि एक नेगेटिव कमेंट आता है तो आप लोगों का जो खून है वो कितना खौल जाता है। हम तो कुछ नहीं बोलते, हमें बुरा लगता है, लेकिन हमको दिख जाता है, एक आध कमेंट हमें दिख जाता है, और आपको पता है हम ट्रिगर होते हैं, इसलिए तो आप लड़ जाते हो उनसे कि जो भी है फ़ौरन निकल जाओ यहाँ से, हैं, यहाँ पे कम्युनिटी को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ही बोले हम, देखिए आपके कमेंट्स मैटर करते हैं, ठीक है, आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। लेकिन जो इंसान मेहनत से, पेज ऑफ कप्स हैं आप, लेकिन जो यहाँ जो इंसान एक काम को डेडिकेटेडली कर रहा है, अपनी डेडिकेशन दे रहा है, अपने डिवोशन से कर रहा है, ठीक है, आपका क्या ज़रूरत है किसी को परेशान करने की? हमें ये नहीं समझ में आता, क्या मज़ा आता है किसी को परेशान करने में? कि कोई अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, वहाँ पे आप जाके लिखें कमेंट में पाखंडी चल रही है, पाखंडी है, यहाँ पे ढोंग चल रहा है, यहाँ पे मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक है, और अरे पाखंडी है, पाखंड है हम, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप जाइए ना, आपको ज़बरदस्ती किसने रोका है यहाँ पे आने के लिए जो आप ये कमेंट कर रहे हैं? और आपको मालूम है आप अपने कर्मा कितने ख़राब कर रहे हैं? यहाँ पे 8,000 लोगों की जो ऐसी जो आपको कर्मा देवता से शिकायत अगर उन लोगों ने कर दी किसी ने, तो आपको तो मतलब 8,000 लोगों की जो है बहुत ही गंदी वाली जो है बद्दुआ लगेगी उसके बाद फिर, क्योंकि कह रहे हैं ना हमारे लिए लोग लड़ जाते हैं, यहाँ पे लोग लड़ जाते हैं, उनकी तलवारें ना ऐसी खड़ी हो जाती है एकदम, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि मिनी को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यार इतना प्यार करते हो आप लोग हमें, हमें तो कभी कभार यकीन नहीं होता है, सच में कभी कभार यकीन नहीं होता है।
क्योंकि इतने सालों तक हमें किसी ने इतना प्यार दिया ही नहीं है, ये अभी अभी मिल रहा है ना, आदत नहीं है हमें इतने प्यार की, इसलिए तो इमोशनल हो जाते हैं कि यार इतना प्यार करते हैं लोग, इसलिए रो पड़ते हैं हम। ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो अभी रो पड़ेंगे। वैसे आप रोएंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, काजल तो हमने हटा दिया है, तो अगर रोएंगे भी तो हमारा काजल फैलने का तुम्हें कोई डर नहीं है। अच्छा पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, देखिए हमें ना आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये शुरुआत क्या है वही हमें पता लगा नहीं है, एक इमोशनल शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अरे यार कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है दिख रहा होगा आपको, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। आपको ये बोला जा रहा है कि चिल, ठीक है चिल, अभी आपका जो वक्त है ना उस पर आप थोड़ा सा चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये हीलर, हीलर हीलिंग वाइब्स ऐसा भी बताते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। कभी कभी ना हमें भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही एंजल्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत सुकून वाली एनर्जीज है। लेकिन आप लोग देखिए सुकून है आपकी ज़िंदगी में वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि क्या ही सुकून है, मैम को लग रहा है सुकून है, कोई सुकून नहीं है। देखिए सुकून है लेकिन वो क्योटिक सिचुएशन आपने अपने मन में बनाई हुई है, चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं आपके फेवर में हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स है, जैसा कि हमने बोला कि कुछ लोगों को लगेगा कि घंटा सुकून है यार, मैम तो कह रही है सुकून है, कहाँ सुकून है, तो ये वो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। देखिए चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ भी चल रही हैं, लेकिन आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि आपको लगता है कि आप जानबूझ के एंशियस हो रहे हैं। चीज़ें इतनी ख़राब इतनी हेक्टिक है नहीं जितना आपने सोचा हुआ है, ठीक है आगे देखते हैं क्या मामला क्या है भाई यहाँ पे। The Emperor, अच्छा तो ये मामला है, किसी पर्सन के ईगो से परेशान हैं आप। चिल पिल, ठीक है अरे यार किसी और पर्सन के ईगो से आप परेशान हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिलेशनशिप की रीडिंग ना आए आप लोगों की है। ज़्यादातर लोग किसी ना किसी परेशानी में फंसे हुए, पर्सनल इश्यूज खासकर। ज़्यादातर लोग जो हैं आप लोगों में से सोलमेट एनर्जीज में हैं, बहुत सारे लोग पहले बता देते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसलिए ये तकलीफें हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स भाई, बहुत बहुत क्योटिक सिचुएशन है बना रखा है आपने भी, किसी की डिसेप्टिव एनर्जीज भी है, कोई अपने अपने आप से लड़ रहा है यहाँ पे, और ये एम्परर है जो भी है। एम्परर इसलिए क्योंकि बहुत ईगो है इनमें, इनको बताना नहीं है कि इनके दिल में क्या है, कहने का मतलब ये है। अरे यार जो मन में बात होती है वो अगर बता दिया जाएगा ना थोड़ा सा बोझ कम होता है, लेकिन वही है कि कई लोग अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है भाई, इसलिए तो ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है। किसी के लिए आपने बहुत किया है, बहुत किया है, यू हैव डन योर बेस्ट, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में खासकर यहाँ पे आपने बहुत किया है, बदले में आपको घंटा मिला है जो कि आप बजा रहे हो। अरे यार देखते हैं, एक कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपकी एनर्जीज है।
ठीक है, जिस भी पर्सन की एनर्जीज आई हैं, इस पर्सन को आपने फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है, ठीक है, धन से आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। धन के अलावा भी हो सकता है आपने और भी कुछ चीज़ें इनको दी हो, और इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से यहाँ पे बैलेंस ख़राब हो रखा है। इस समय जिस पर्सन की आप एनर्जीज यहाँ पे पता कर रहे हैं, ये पर्सन इस समय इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये पर्सन आपको अपने मन की बात बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, और बताना चाहते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अपने आप से ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स। यार ये कैसी एनर्जीज होती है, हमें समझ नहीं आता ये कैसी एनर्जीज होती हैं। अपने आप से लड़ने की क्या ज़रूरत है, मन की बात है, कोई बात नहीं। हम हमेशा बोलते हैं हर मुद्दे का एकमात्र हल, शांतिपूर्ण हल, पीसफुल अगर रेजोल्यूशन चाहिए तो कम्युनिकेट, और वो भी खासकर फ़ोन पे नहीं, सामने सामने बैठ के बात करो, चीज़ें हल हो जाएंगी। जो भी मुश्किलें हैं यार सामने बैठ के बात तो करो, कोई भी मुद्दा है, कोई भी परेशानी है, अगर तो सामने बैठ के बात करेंगे ना, तो सामने क्या होता है, सामने वाले की आपको एनर्जीज भी दिखाई देती हैं, उसकी जेन्युइन इंटेंशंस है कि नहीं है। फ़ोन पे नहीं पता चलता कि उसने कैसा एक्सप्रेशंस, उसके कैसे हैं, क्या सोच रहा है उसके मन की। देखिए थोड़ी बहुत एनर्जीज आप लोग ग्रैब कर पाएंगे अगर आप सामने रहेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन है ही नहीं, नो कम्युनिकेशन। एंशियस कहीं ना कहीं आप भी हो रहे हैं इसी चीज़ को लेके, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एंशियस है इसी चीज़ को लेके, क्योंकि अपने मन की बात बता नहीं पा रहे हैं। सोलमेट एनर्जी है, हालांकि किसी की एनर्जीज ऐसी हैं जो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ समय से, 2-3 दिन से ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं, किसी के इंटेंशंस भी हमें बहुत प्योर जेन्युइन लग रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे कि आपको बताया था करंट फीलिंग्स में भी ऐसी एनर्जीज आई थी, कल भी किसी के रियूनियन के जो है एनर्जीज आई थी, अभी भी वही चीज़ चल रही है। न्यू मून है, फुल मून पूर्णिमा है, तो देखिए पूर्णिमा के टाइम पे आपको पता है, न्यू मून हो या फुल मून हो, इस दौरान पे इमोशंस का हाई लो होना ये नेचुरल है, ठीक है, इस पे किसी का बस नहीं चल पाता है। इस समय आपकी भी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आप बहुत एंशियस हो सकते हैं, बहुत छटपटा सकते हैं, ठीक है, एक डेस्परेट एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है, कोई यहाँ पर बहुत डेस्परेट तो है बात करने के लिए, हालांकि कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन समवन इज सो डेस्परेट। या तो आपकी एनर्जीज है, आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के थॉट्स, आप डेस्परेट है, या तो ये पर्सन डेस्परेट है कि पूरा अपना दिल खोल के आपके सामने रख दे जो भी इनके मन में है, हाँ है ना है, आगे का पीछे का अभी का जो भी मन में इनके है वो खुल के आपके सामने रख दे। किसी का मन में बहुत बोझ है, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, ये बोझ आपके मन में इसलिए है क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली चीज़ें हैं क्या, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी। सोलमेट एनर्जीज हैं। 2 of Cups आया था यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपने इस पर्सन की मदद बहुत की है, ठीक है, अवेलेबल भी बहुत रहे हैं, और अभी भी शायद अगर ये पर्सन आपको कुछ बोलेंगे आप झट से कर देंगे, ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी मैच्योर काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है, अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, पूरी तरीके से इमोशनल नहीं होता है ये पर्सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं आपको वैसे सब पता है कि पाइसीज एनर्जी है यहाँ पे, एरीज है एम्परर, दो मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे, एम्परर और हाई प्रीस्टेस पाइसीज।
देखिए अपने फैसले इमोशंस में आके आप करेंगे ना तो सेम पैटर्न रिपीट करेंगे आप, एक पर्टिकुलर नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। यहाँ अदालत अदालत चल रहा है क्या? नतीजे पे क्या क्या नतीजे पे पहुंचना है भाई? क्या ही रीडिंग में आता है? ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डजंट हैव टू बी, ठीक है। यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है, दो कार्ड एक साथ आए थे और कार्ड्स ने अपना थोड़ा भी दिखा दिया था इसलिए हमने ले लिया। हमने आपको बोला ना, ये पर्सन अपने दिल की जो बात है ना वो खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं। बहुत सारी मुसीबतें हैं इस पर्सन के ज़िंदगी में, बहुत सारी मुश्किलातें हैं जो इनको हल करनी है। ये रीज़न हो सकता है कि ये डिसेप्टिव है। ये पर्सन का मन आपसे ना, कभी कभी सच बताएं, देखिए जो हमें लगता है वो हम आपको बताते हैं, है? तो इस पर्सन का कभी कभार मन करता है कि ये ना हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाए आपसे। आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, कभी कभार आप सोचते होंगे कि नहीं चाहिए ये पर्सन हमें, हमको जो है आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आप हो नहीं पाते। सेम इसी इस पर्सन के साथ भी वही है, ये भी नहीं हो पाता है, घूम फिर के आप उसी साइकिल पर रिपीट करते हैं और वही वहीं पर बैठ जाते हैं आगे। एक काम कीजिए, साइकिल का जो टायर है ना उसको पंक्चर कर दीजिए, ना रहेगी साइकिल, ना रहेगा ये पैटर्न। देखिए हमें बहुत बुरा लगता है ऐसी सिचुएशंस जब आती है ना, हमें बहुत बुरा लगता है। अब बताइए ना, आप मूव ऑन हो पा रहे हैं ना ये पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं, होना चाहते हैं आप दोनों में से, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप अटके हुए हैं ना। और हम बताते हैं ये क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन हो क्यों नहीं पा रहे, इस पर्सन से आपका दिल हटता क्यों नहीं है, या इस पर्सन का आपकी तरफ से दिल क्यों नहीं हटता है। वो इसलिए क्योंकि आप सोलमेट एनर्जीज में हैं, सोलमेट कनेक्शन है ये, और आपको पता है कि जब पास्ट लाइफ सोलमेट का एक कनेक्शन, सोल टू सोल का कनेक्शन बन जाता है ना, तो उस चीज़ से हटना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या भाई, नामुमकिन जैसा हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? अरे यार, सोलमेट, सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पे, और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि टू ऑफ कप्स भी आया था और ये सिक्स ऑफ कप्स, ये सोलमेट एनर्जीज होती है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आप इस पर्सन से। दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए दूर तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक आपका कनेक्शन ना टॉक्सिक और एब्यूसिव ना हो। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। देखिए मौका जब भगवान हम लोगों को देते हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते कि तू गंदा है, तेरे को हम सूरज की रोशनी नहीं देंगे, तू गंदा है, हम तेरे को वायु मतलब हवा नहीं तुझे मिलेगी। हर किसी को बराबर सब कुछ भगवान जी देते हैं। जब कुदरत हम लोगों में भेदभाव नहीं करती तो हम लोग कौन हैं, कौन है जो भेदभाव करें? तो क्या ज़रूरत है किसी के साथ ऐसा रेशियल किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना, कहने का मतलब है कैसा भी कोई भी मामला हो सकता है। ये सोलमेट है आपके, ठीक है, या तो इनसे दूर जाने के लिए देखिए एक ही उपाय हो सकता है। अगर आपको रिलेशनशिप अनहेल्दी लग रहा है, ऑब्सेशन ज़्यादा है, आप नहीं रहना चाहते ऐसे रिलेशनशिप में जिसका कोई भविष्य आपको नहीं दिखाई देता, तो एक ही इलाज होता है, वो है कॉर्ड कटिंग। तो आप कॉर्ड कटिंग के वीडियोज़ भी आपको फ्री में यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वो चीज़ करते करते आपको धीरे धीरे एक टाइम के बाद जो है आप इनसे मूव ऑन हो ही जाएंगे। ऐसी एनर्जीज होती हैं, बट सोलमेट एनर्जीज है ना, इसलिए आपको मुश्किल लगता है। और आप दोनों में से ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो प्यार है ना वो बहुत ही अनकंडीशनल और बहुत गिविंग है, और एक पर्सन का वो उस पेज पे नहीं है, सेम पेज पे नहीं है, दोनों अलग अलग चल रहा है। बोला ना इक्वल गिव एंड टेक, आपने बहुत हेल्प की होगी इस पर्सन की, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेल लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो बोलेंगे कि मैम आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अरे भाई अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स समझ लेना, उसी उसमें देख लेना, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आप फीमेल के लिए देख रहे हो, और अगर आप फीमेल हो तो आप मेल के लिए देख रहे हो, या सेम जेंडर जो भी है
आजकल जो है वैसा भी अगर हो सकता है तो मतलब टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कैसी रीडिंग आई है यार, मतलब रीडिंग में दोनों में से दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, आप समझ गए ये मामला है यहाँ पे। एक बहुत होपफुल है यहाँ पे कि न्यू बिगिनिंग हो जाए, कहीं से कुछ शुरुआत हो जाए, कुछ पता चले, और एक बहुत होपलेस हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का तो कुछ होना तो है नहीं, लेकिन मूव ऑन दोनों में से कोई नहीं हो पा रहा है। क्या चल रहा है यार, क्या बोले हम, हमारे पास शब्द नहीं रहते, पता नहीं। लेकिन पता नहीं, हमको एक ओरेकल लेने के लिए यहाँ से ना बहुत कॉलिंग सी आ रही है एकदम ओरेकल लेने के लिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है उसमें शायद आपके लिए कोई गाइडेंस हो। तो ये ओरेकल ले रहे हैं हम, ये सेक्रेट डेस्टिनी वाला जिससे हमने आपको आज उसका लाइव में जो रीडिंग दिया था, पता नहीं किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है इसमें, देखते हैं कि क्या करना चाहिए है, ओरेकल से कुछ पता चल सकता है कि इस सिचुएशन में करना क्या है। ये कार्ड गिरा है, डिलीजेंस है भाई, उड़ो उड़ो अभी, रिलैक्स करो, उड़ो, ठीक है। हमने पूरी तरीके से शफल नहीं किया था लेकिन ये डिलीजेंस का कार्ड आया था। देखिए, आपको फ्री होने की ज़रूरत है, अपने आप को आज़ाद रखो, ठीक है, आज़ाद सोच रखो, जो जैसा होगा उसके लिए तैयार रहो, एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ कमिंग, वॉट एवर इज़ गोइंग, हर चीज़ को स्वीकार करने का एक्सेप्टेंस के लिए आप लोग प्लीज़ अपने आप को एक्सेप्टेंस की उसमें रखिए, कहने का मतलब है फ्री रखिए, ठीक है। अभी वो कार्ड धड़ाम से आके गिरा था, हम रेडी नहीं थे इसलिए हमने आपको बता दिया कि वो कार्ड आया है, बट डिलीजेंस, ठीक है, इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस एंड फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेल्दी पैटर्न्स। मतलब एक वो होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे डिलीजेंस यार, हमको जब गुस्सा आता मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब वो वर्ड नहीं आता ना हमें, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए माइंड को, ठीक है। थोड़ा सा हमने जो है आपको समझाने की कोशिश की है, इसका एग्जैक्ट वर्ड कुछ और होता है, हमको इंट्यूटिवली लेना पड़ेगा, कार्ड आ नहीं रहा है, बट हमें बताना है कि क्या करने की आवश्यकता है आपको भाई। वही आया है, चिड़िया उड़, ठीक है, चिड़िया उड़ उड़ उड़। डिलीजेंस में भी आपने देखा होगा कि पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पे भी पक्षी है उड़ रहा है, फ्रीडम, आज़ाद, ठीक है, अपने आप को आज़ाद रखिए, अपने आप को फ्री रखिए, जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको रिसीव करने के लिए भी आप एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी आप तैयार रहें, रेडी रहें, और अगर कोई चीज़ आपको रिलीज़ भी करनी है तो उसके लिए भी आप रेडी रहें, ये आपके लिए गाइडेंस है, फ्रीडम। कितना एग्जैक्ट चीज़ आता है, पहले भी हमने आपको बोला था ना आज़ाद, फ्रीडम, यहाँ पे भी फ्रीडम ही आया, आज़ादी, दोबारा से वही आया, मतलब डिलीजेंस। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, लेकिन आपका ना दिमाग इस समय, आपके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होंगे, बिकॉज वी हैड हाई प्रीस्टेस, हमारे पास यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। कार्ड्स रैप अप करने के बाद ये कार्ड हमें दिखाई दिया है, पेज ऑफ कप्स। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी, मतलब जो भी है
आप दोनों के लिए यही ठीक होगा जो भी आगे के टाइम पे होना है, और पॉजिटिव ही है जो भी है, मतलब आप लोगों दोनों के लिए बेहतर होगा, भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो बस आपको एक्सेप्ट करना है जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। बट आई एम गेटिंग समथिंग वेरी यू नो नी सुकून इनर पीस बॉटम ऑफ द डेक। जो भी आ रहा है उससे आपको भी सुकून हो जाएगा, इस पर्सन को भी सुकून हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग के भी चांसेस हैं, न्यू क्योंकि साइकिल कंप्लीट हुआ है ना, तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके रिलेशनशिप का हो सकता है। तो बी असर्टिव, बी पॉजिटिव यार, है हर चीज़ का हल। देखिए हम लोगों की मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं चलती है, और मिरेकल्स डू हैपन, प्रेयर्स जो है वो सुनी जाती हैं। तो कीप ऑन प्रेइंग, कीप प्रेइंग, ठीक है, और कीप बिलीविंग ऑन मिरेकल्स। तो चलिए अभी हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है, थोड़ा सा आशीर्वाद हमें भी फेंक के मारिएगा, और दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, दुआएं देना और दुआएं लेना, ठीक है। तो डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड के नक्शे कदम पे चलते रहिए। हैं हाय, हमको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं कमाल ही हो गया है बताइए, एक टाइम पे हम अकेले थे मालूम, बिल्कुल अकेले, अब इतने सारे लोग हमको फॉलो करते हैं कमाल ही हो गया खैर जो भी है, बस ये है कि आप लोग हमें फॉलो करते हैं, करिए, लेकिन हमारी तरह मत बनिएगा बहुत इमोशनल है ना, तो हमारी तरह मत बनिएगा, स्ट्रांग बनिएगा। हमको बहुत स्ट्रांग लोग चाहिए अपने कम्युनिटी में, क्योंकि जब जब हम गिरे, जब जब हम इमोशनल हो, तो हमको संभालने वाला कोई हो हम फिर से इमोशनल हो जाएंगे चलिए चलते हैं, ठीक है। टैरो क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, और karmataro1111@gmail.com, और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे karmataro1111@gmail.com, ठीक है। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं, हैप्पी होली एवरीवन, है, और भगवान आपकी ज़िंदगी को हमेशा रंगीन रखे, रंगीन रंगीन है, और ज़िंदगी में सुकून लेके आए, हमेशा खुश रहें आप लोग, कामयाबी की बुलंदियों पे चढ़ते रहें, बस हमें मत भूल जाइएगा, हमने आपका इतना अब तक हम आपका साथ दिए हैं, तो आप भी हमारी जर्नी में हमारा साथ दीजिएगा। तो जी चलते हैं, हम बहुत इमोशनल होते जा रहे हैं, चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।